ये हमारे पास तकरीबन निकल जाता है 80 से 90 किलो हमारे पास निकल जाता है, 100 किलो से भी ऊपर हो जाता है, लेकिन हमारा 12 बजे तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब कस्टमर आता है तो नहीं होता, 80 90 किलो हमारा 12 बजे तक ख़त्म हो जाता है। बीफ चाप ये हमारा तकरीबन 30 से 35 साल पुराना काम है, और पहले हमारे वालिद साहब का था ये, उसके बाद में हम लोगों ने संभाला। जब हमने शुरू किया था, जब भी उस वक्त जो थी इस बीफ चाप की कीमत थी तकरीबन 8 रुपये। उस टाइम गोश्त भी तो 16 तकरीबन 30-35-40 रुपए किलो था गोश्त, 8 रुपए हमारे रेट थे चाप की। आज माशाल्लाह गोश्त 800 रुपए किलो है, और बीफ चाप की जो कीमत है आज 600 का भी पीस है, 700 का भी और 800 का भी, तो छोटा होता है 500 का भी, तो होता है हमारा तकरीबन 2.5 पाव का होता है, 600 वाला होता है 1.5 पाव से ऊपर होता है। यार मसाले हम जो यूज़ करते हैं ना, वो मसाले हम खुद अपने हाथों से इसको खरीदते हैं, और अलग अलग जगहों से मसाले लेते हैं। मिर्ची जो होती है खास, इसका इसके अंदर जो खास किरदार है ना, वो होता है मिर्ची का, साबुत मिर्ची का। क्योंकि अगर हम किसी से लेते हैं, पीसी भी लेते हैं, तो उसके अंदर आजकल लोग चला रहे हैं लंबी वाली जो मिर्ची होती है, उसके अंदर जायका नहीं होता, तो हम मिर्ची भी अपनी खुद पिसवा दें। तमाम मसाला जो हाई जो मतलब क्वालिटी का होता है, एक नंबर जो होता है, वही लेते हैं हम लोग। ये लेते हैं, कटवाते नहीं, कटवाने में तो ये एक जानवर में से तकरीबन 13-14 किलो निकलता है माल, चाँप और ये फुट 13-14 किलो हमें काफ़ी दुकानों से परचेज करना पड़ता है। ये हमारा है गरीबाबाद, नज़दीक जो है मैकेनिक मार्केट है, और सरिये वाले जो बैठे हैं गरीबाबाद, लालू खेत गरीबाबाद कहलाता है ये।